जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जम्मू की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों से यहां पर ड्रोन्स जो हैं वो मंडरा रहे हैं और कहीं ना कहीं नापाक हरकत जो है पाकिस्तान की एक बार फिर सामने आ रही है। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक अपडेट दिया था जिसमें बताया था कि किस तरीके से अब जो टेररिज्म है उसे फैलाने के लिए अब ट्रक ड्राइवर्स और पंचर वाले जो हैं उन लोगों को बहरूपिया की शक्ल में जो है वो बिठाया जा रहा है और अब कंसाइनमेंट जो है इंसान लेकर सरहद पार से नहीं आता बल्कि ड्रोन की सहायता से सरहद पार से उसे जो है दूसरी सरहद में यानी कि भारत की सरहद के अंदर भेजा जाता है। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले सामने आया था जब एक ड्रोन के जरिए असला बारूद, दो ग्रेनेड थे और उसके साथ एक पिस्टल थी जिसे एक ट्रक ड्राइवर पुलवामा लेके जा रहा था। उसे हालांकि हमारे अगर बात करें सुरक्षा बलों ने तो उसे पकड़ लिया था। उसके बाद उसने काफ़ी सारे खुलासे भी किए थे लेकिन आज सुबह की बात करें यानी कि 21 तारीख है और 21 तारीख सुबह 4 बजे की बात करें तो दो UFOs यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो हैं वो फिर से स्पॉट किए गए हैं। और ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये सतवारी का इलाका है और सतवारी सिविल एयरपोर्ट की बात करें तो एक UFO यहाँ पर दिखाई दिया है और दूसरा UFO की बात करें तो यहीं पर जो सतवारी में पीर बाबा है, पीर मिठे की साइड, वहाँ पर जो है वहाँ पर भी एक UFO जो है वो दिखाई दिया है। लेकिन सुरक्षा बलों ने जब इस चीज़ को देखा और उन्होंने देखा और उसके बाद हालांकि वो डिसअपियर हो गए लेकिन अभी तब से ही अलर्ट पर है जम्मू और कुछ भी गतिविधि ऐसी ना हो जिसकी वजह से चौकसी जो है वो बरती जा रही है। हर आने जाने वाली गाड़ी के ऊपर निगाह जो है वो हमारे सुरक्षा बलों की है और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इस समय जम्मू के अंदर हैं वो सक्रिय हैं और अपनी भूमिका जो है वो निभा रही हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं आज ईद का पावन पर्व है लेकिन कल रात को एक दुखद हादसा जो था वो सामने आया। कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पर एक पुलिसकर्मी जो है उसके साथ उसकी बेटी जो है उसको गोलियों से छन्नी कर दिया गया। हालांकि अभी उनका उपचार चल रहा है लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि लगातार इस तरीके के ड्रोन के साथ अब टेररिज्म को दहशत फैलाने का प्रयास दहशतगर्द कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इन्फिल्ट्रेशन को ऑलरेडी हमारे जो BSF है और साथ में जितनी भी हमारे सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उनको कम कर दिया है। क्योंकि DGP जम्मू कश्मीर की बात करें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि इन्फिल्ट्रेशन की तमाम कोशिशों को हम कामयाब कर रहे हैं और जितनी भी कोशिशें हुई हैं अब तक सारी विफल रही हैं। बहुत सारे इन्फिल्ट्रेशन की जो भी प्रयास किए गए उन्हें विफल किया गया। इसी के चलते अब नया हथकंडा जो है वो अपनाया जा रहा है, ड्रोन से एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो अपनी सतह से कुछ मीटर ऊपर जो है वो उड़ सकते हैं और ये जो है रडार के अंदर भी ट्रैक नहीं होते। इसी वजह से दहशतगर्द दूसरी सरह से भारत में दहशतगर्दी फैलाने के लिए अब ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी के चलते दो UFO जो हैं इस आज सुबह 4 बजे जो है वो पाए गए हैं और उसके बाद डिसअपीयर भी हो गए। लेकिन माहौल क्या बनाया जा रहा है, माहौल क्योंकि आज एक पावन पर्व भी है, आज क्या कुछ प्लान चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उसको डिकोड करने के लिए हमारे इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो काम कर ही रही हैं लेकिन किसी भी तरीके से उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो लगातार काम कर रही है और जो भी आने जाने वाली गाड़ी है उससे पूछताछ की जा रही है, नज़र बनाए हुए हैं कि कोई भी क्योंकि ड्रोन तो यहाँ से आज ड्रोन अपनी वहाँ से कंसाइनमेंट जो है सरहद पार से भारत में तो सांबा के थ्रू या किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर के थ्रू वहाँ से पहुँचा रहा है लेकिन आगे से जो इंसान यहाँ से उस कंसाइनमेंट को लेकर कश्मीर या जम्मू के अंदर दहशत का माहौल बनाने का प्रयास करेंगे उन लोगों को पहले ही रोका जाए। इस तरीके का पूरा प्रयास जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ तमाम इंटेलिजेंस जो एजेंसीज हैं वो कार्य कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि दो UFOs जो हैं अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो देखे गए हैं एक सिविल एयरपोर्ट के पास, एक पीर बाबा सतवारी, दोनों डिसअपियर हो गए हैं। उसके बाद से अलर्ट जो है वो हमारी तमाम एजेंसी जो है अलर्ट पर हैं और चौकसी जो है वो तमाम नाके पर बरती जा रही है। कल ही DGP जम्मू कश्मीर की बात कर उन्होंने कहा था नाकों को बढ़ाना पड़ेगा, हमें सुरक्षा को जो और पुख्ता करना पड़ेगा ताकि कोई भी आने जाने वाली गाड़ी जो है हमारी नज़र उससे बच्चे निकल ना सके। तो फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नापाक हरकत पाकिस्तान लगातार कर रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं और हमारे सुरक्षा बलों को आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य रखिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहू एक्सप्रेस पर। जय हिंद। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।